गुड नाइट। आप चलिए चलिए, आप सो जाइए। लाइए सो जाइए। बहुत सारा काम है। ये किसकी हैंडराइटिंग है? सबसे पहले अपने पति को प्यार से जगाना, दोनों का दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्या हुआ? अपने पति को प्यार से जगा रही हूँ। अरे अच्छा बताइए, अब हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होगी ना? ना अब तक थोड़ा है के? उठ जा बेटा, सैर के वास्ते जाना है। सुबह की शुरुआत कितनी अच्छी हुई है ना। चलिए उठ जाइए, जल्दी जल्दी उठिए। कल रात देर से लौटा था, थक गया होगा। अभी तो काम करना शुरू भी ना किया, थक भी गया। आज जाने दीजिए, धीरे धीरे सीख जाएगा। तुम दोनों की शय की वजह से बिगड़ जाएगा छोरा। चल पूजा की तैयारी करते हैं, बहू आ जाएगी। जान बची। पर मुझे जाना है। अरे अरे नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। देख आप छोड़िए मुझे, माँ ने बहुत सारी जिम्मेदारी दी है, पता नहीं मैं कैसे करूंगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा इंतजाम मुझे ही करना है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। हाँ हाँ मुझे भी हो रही है। मैंने पढ़ा, अब अगर घर का सारा काम आप करेंगी तो मुझे तो अपना इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम? होटल में रहने का मतलब? देखिए अब पता नहीं घर का क्या हाल होगा। सुबह का नाश्ता तो रात को मिलेगा, खाने में खिचड़ी बनेगी, ना घर का कोई काम होगा, ना धोबी को कपड़े जाएंगे, ना कोई साफ सफाई होगी और ना... मैं सब कर लूंगी, आप समझते क्या है मुझे। हाँ और देखते हैं आप अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं या फिर मैं। ऑफ कोर्स
मैं ही करूंगा। देखिए मेरे और अभिनव के प्यार की आखिरी निशान, एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच्ची तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। कितनी जल्दी हमने सारी शॉपिंग कर डाली ना। That was really fast. वैसे आपकी लिस्ट कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, लिपस्टिक से लेकर सैंडल तक। वैसे बार्गेनिंग में आप लोगों का तो जवाब ही नहीं। पर कितना मजा आया ना। नॉट रियली really. अगली बार से मैं आपके साथ नहीं जा रहा, रश्मि को ले जाइएगा। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। इसका मतलब आपको मेरा साथ पसंद नहीं है? अगर आपका साथ पसंद नहीं होता तो क्या मैं आपको शिमला ले जाता? पर अक्षरा, शॉपिंग मैं अगली बार से अकेला जाऊंगा और आप अलग से जाइए। ये अकेले जाने की बात मत कीजिए, कहीं भी नहीं। हम जो भी करेंगे साथ साथ करेंगे। You're right, साथ साथ। दादी कहती है कि जब आप खामोश होते हो तो आपकी खामोशी भी बात करती है। पहले तो आप मेरी खामोशी भी पढ़ लिया करते थे। देखती हूँ क्या अभी भी आप मेरी खामोशी समझ पाते हैं या नहीं। नैतिक, मैं आपसे बात करना चाहती थी लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। जब मुझे आपसे बात करनी थी तब आपने मेरा फोन नहीं उठाया। क्या आप अभी भी नाराज हैं? क्या फायदा अक्षरा, आपको तो मेरी फिक्र नहीं है। आप तो घूम रही थी वर्षा और शौर्य दादू के साथ, और मैं हूं जो फोन पे फोन किया जा रहा था। आप नहीं जानते मैं हर पल आपको कितना मिस कर रही थी। देखा, दूरियां नजदीकियां बढ़ा देती है। और प्यार भी। क्या 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 कहा? कुछ नहीं, अच्छे से काम करिए और जल्दी आइए। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू, आई नीड ऑल गुड विशेस. अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, बाय. मैं जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूँ. मैं आपका इंतजार करूंगी.